Om Hu Akbar, Om Hu Akbar. Breaking lie of Maulana and Mukti on my channel, Ex-Muslim Sahil Official, stay tuned. अस्वीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरण। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। छोटा सा रिएक्शन वीडियो है विद अ न्यू लुक, और आगे से जो भी रिएक्शन वीडियो होगा उसमें आपको इसी तरीके का रूप देखने मिलेगा। ये कौन है? ये तुम्हारा भाई साहिल है, ठीक है। अच्छा, जितने लोग जो है जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा, वो तुरंत जो है वो व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब कर ले। मैं ने लिंक शेयर कर दिया हुआ है। ओके, हिंदुइज्म कह रही है। मैं तो भाई, मैं तो डर गई। अरे डरना नहीं है, डराना है लोगों को, डरना नहीं है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, चलिए विदाउट एनी डिले, क्योंकि बहुत शॉर्ट रखना है रिएक्शन वीडियो। और इससे पहले भी एक रिएक्शन वीडियो मैंने बनाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख ले और बाकी लोगों के साथ भी आप उसको शेयर कर दे, ठीक है प्यारे भाइयों। अच्छा, ये जो रिएक्शन वीडियो है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, एक भक्ति मार्ग यानी हरे कृष्णा वाले जो इस्कॉन वाले जो होते हैं उनका और अंगूर दावा जो है वो सड़क पे, ये लोग आप लोगों को पता है कि किधर भी चालू हो जाते हैं हमारे दावा गैंग वाले, किसी को भी उठा के पकड़ के इस्लाम की दावत देना शुरू कर देते हैं। तो अंगूर दावा और उसके एक कोई बंदे ने एक जो भक्ति मार्ग वाले जो पंडित होते हैं उनको पकड़ लिया, और किसी ने मुझे लिंक शेयर किया, बोला कि भाई देखो ये वीडियो, जरा मजा आएगा। तो मैंने देखा तो मुझे बहुत मजा आया और मैं चाह रहा था कि उस पर थोड़ा सा रिएक्शन दे दूं और विदाउट एनी डिले आप लोगों के सामने मैं लेके आ जाता हूं स्क्रीन। ये देखिए आ गया स्क्रीन, ठीक है। यस, तो आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है यार। कॉल ना करो यार प्लीज। चलिए देखते हैं, अगर आवाज में कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। देखते हैं, ये है हमारे अंगूर दावा। अच्छा, अंगूर दावा क्यों कह रहा हूं, ये एक डिबेट जो हो रहा था अपोसिट प्रॉफिट के साथ, तो इनकी बीवी या गर्लफ्रेंड जो भी थी इनको डिबेट के दौरान अंगूर खिला रही थी, तो ये तब से जो है ये अंगूर दावा हो गए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या डिस्कशन हो रहा है। जस्ट इंट्रोड्यूस, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर हियर एट सलाम कॉर्नर, वी आर हियर एट टॉनम कोर्ट रोड एंड वी केम अक्रॉस, व्हाट्स योर नेम? कैवी। कैवी। चलिए पहले एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है वीडियो की? आवाज आ रही है जैसे किसने गला पकड़ा। अरे भाई मास्क पहना हुआ है तो वैसी आवाज आएगी ना आपको। आवाज आ रही है क्या? वीडियो की आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी कंफर्म करो यार। मेरी आवाज नहीं यार, वीडियो की आवाज। ओके, आ रही है भाई, आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Kavin, yeah? Kavin. Okay, I'm very bad with names. If I forget, forgive me. Yeah? My name is Ali. Kavin. This is Dawood. It's nice meeting you. Thanks, because... दाऊद भाई का भी जो है वो काफी नूरानी चेहरा है, और दाऊद भाई जो है वो खाने पीने के मामले में भी एकदम जो इमामों का जिस तरीके से हुलिया होता है उसी तरीके से दाऊद भाई का पेट शेड भी बाहर है, बट दैट इज फाइन। आगे बढ़ते हैं। There is a lot of questions that I would like to know. We're here talking about Islam and a lot of people come to us to ask about what Islam is about. But I want to know if, like you're a follower of Hare Krishna, is that correct? Yeah. Okay. Can you tell me a bit about it? Because I can remember you was having a discussion with Dawood and you said something along the lines of that basically some people...
अच्छा इनका जो पोस्चर है पंडित जी का वो कितना काम है, देखो एकदम बिना टेंशन के, बिना किसी गम खौफ के, एकदम सुकून से भाई की बात जो है सुन रहे हैं। You have the belief that at one point of the afterlife you become God or become with God, and you said you don't agree with that. What was the reasoning behind it? Oh, is that? It's a one step of realization is understanding the oneness of everything, that everything is ultimately spiritual energy, like the underlying principle of everything. So we would say that's one step of understanding that everything ultimately came from God, but that everything has a source. Like there is light now, there is light, but that doesn't mean the sun is present. That would be terrible. Yeah, there, yeah. But we would understand that there, because there is light, there is a source of light. Yeah. So the first understanding is that, okay, there is light, but that doesn't mean that it has no source, you know. We would say that everything is ultimately energy, but energy has a source, and that source is ultimately God. So, you know, higher levels of realization would actually enter into the understanding of the Supreme, as a person, somebody that we can actually communicate with. You know, when we pray, He hears, you know, and so forth. You know, so yeah, that would be our we actually monotheistic. Yeah. Okay, that's very interesting. So we. अच्छा ये जो पंडित जी है इनके बारे में इनसे इसने सवाल किया गॉड के बारे में कि आप लोगों का क्या मानना है कि आप जो है वो एक टाइम ऐसा आता है कि आप गॉड में ही मिल जाते हो, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पंडित जी ने उनको समझाने की कोशिश की अंगूर दावा को कि भाई वो जिस तरीके से सन होता है उसकी लाइट जो है सब जगह पे रहती है, गॉड नहीं होता लेकिन लाइट सब जगह पे रहती है, लेकिन उसका एक सोर्स होता है, तो एनर्जी और बाकी चीजों की इन्होंने मिसाल दी है, लेकिन अंगूर दावा क्या कहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Okay, can you tell me a bit about it? Because I can remember you was having a discussion with Dawood and you said something along the lines. So we would say that's one step of understanding. There's no source, you know. We're supreme. As ultimate. Islam. I came to Islam about 89 years ago. You was a Christian before. How long? Yeah. Over 16 years ago. Wow, 16 years ago. Wow, I didn't know that. So the thing is, when we talk about monotheism, what's your understanding of God? Like, for example, Hare Krishna, is he a prophet? Is he, like I want to know, just like, who's Hare Krishna to this whole movement? अच्छा ये पूछ रहा है कि भाई आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है गॉड के बारे में, हरे कृष्णा जो है वो क्या है, प्रॉफिट है, क्या है, ये पूछ रहा है अंगूर दावा। द संस्कृत फ्रॉम भगवद गीता, अहम सर्वस्य प्रभवो मातर सर्वम प्रभातते इति मत्वा भजन्ति मां बुद्ध भाव समन्वितः। It says, I am the source of all these material and spiritual worlds. Everything emanates from me. And the wise who know this, Buddha Bhava Samamita, they worship me with all their heart. So it's the source of everything. It's not a prophet, it's not the son of God, it's the ultimate supreme creator, you know, the one. Hare Krishna. तो ये बता रहे कि भाई ये हमारे उसमें कोई ये prophet of it, son of God और ये सब वाला philosophy, ideology नहीं है। सब चीज जितनी भी चीज है वो पूरा जो है खुदा का ही हिस्सा है, और खुदा की तरफ से यानी भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से इन्होंने कृष्णा की भगवत गीता से एक रेफरेंस देते हुए उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की। कृष्णा, ओके, सो व्हेन यू डू यू सी हिम एज डिवाइन गॉड, इज ही गॉड लाइक द गॉड, और इज ही ए इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड एंड मैन? नो, दैट वुड बी गुरु। Okay. Guru is like the spiritual master. Yes. He is the one who connects. Or a prophet. Yeah, well, a prophet is somebody who would prophetize, yeah? They'll be able to see the future, but that's a material understanding. If you can just see the future, Nostradamus could see the future. It doesn't make him spiritual. Okay. क्या जबरदस्त पॉइंट मारा है इन्होंने पंडित जी ने, के बोले वो पूछता है कि क्या मतलब प्रॉफिट है, क्या है? तो कहते भाई प्रॉफिट क्या होता है, जो प्रोफेसीज देता है वो प्रॉफिट होता है। तो ऐसा प्रोफेसी देने वाले तो हजार लोग है दुनिया में। आप देखो कि जब कोरोना आया था तो कोरोना का बहुत चर्चा हुई और सारी चीजें जो है वो सब जगह पे फैली। उसके बाद व्हाट्सएप पे मुझे किसी ने एक किताब का फोटो भेजा था जिसमें कई साल पहले कोविड के बारे में, वो भी ईयर के साथ 2019, उसमें अभी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन
उसमें ईयर के साथ कोविड का मेंशन किया गया था कि भाई इस ईयर में कोविड आएगा दुनिया में। तो प्रोफेसी अगर इस तरीके से, तो बहुत से लोगों ने बहुत सारी प्रोफेसी की है जो पूरी भी हो गई है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो प्रॉफिट है, खुदा की तरफ से भेजा हुआ इंसान है। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिया, आई एम टोटली इम्प्रेस विद दिस पॉइंट। आगे बढ़ते, मतलब ढेर कर दिया वो प्रोफेसी वाला जो सीन था उसको खत्म कर दिया है। आगे देखते चलिए। Somebody who's of spirit, it means that they know the truth, you know, and that's very different from just being able to tell the future. Okay, you know? So is Hare Krishna God to you guys? Krishna, yeah. Krishna means all attractive, just like Allah means all powerful. Okay, Allah means the one true God. So Krishna. अच्छा देखो इसने अल्लाह जो है इसका इसने मीनिंग बताया दी वन ट्रू गॉड, लेकिन आप आगे ध्यान रखना इसने यहाँ पे बताया है, आगे ये खुद कंफ्यूजन में रहेगा और इसको खुद को अल्लाह का एक्चुअल डेफिनेशन नहीं पता होगा, देख लेना आगे आएगा वो अभी। लेकिन इसने कहा है कि अल्लाह मतलब दी वन ट्रू गॉड, ठीक है आगे सुनते हैं। As far as I know, अबे अंगूर दावा, तू इतने सालों से दावा का काम कर रहा है, जब पंडित जी ने आपसे पूछा कि भाई एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन, व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ अल्लाह, तो कहता है कि एज फार एज आई नो। ये कौन सा जवाब हो गया भाई एज फार एज आई नो? तू इतने दिन से, इतने सालों से दावा का काम कर रहा है अंगूर दावा, तुझे अल्लाह का असल मतलब भी नहीं मालूम है? तो ये होती है इनकी हकीकत। आगे बढ़ते। अच्छा यहाँ पे कोई कह रहा है कि एग्नोस्टिक भाई बी से ब्रो, हियर मेनी मुस्लिम्स गाय ओपनली डेटिंग हिंदू गर्ल्स बट रिवर्स होने से आतंक शुरू कर देते। ओके ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं जरा आप लोग वीडियो को और लाइक और शेयर करें काफी, और इसको जो है ना आगे भी सारे जगह पे आप लोग जो है शेयर करना, क्योंकि मैं फिर अगर ये सक्सेसफुल होता है, कई सारी चीजें मैं प्लान करके रखा हूँ, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आगे भी मैं ऐसे वीडियोस पर रिएक्शन बनाता रहूंगा। ठीक है आगे देखते हैं। So, when you say Hare Krishna, there is an image that I see a lot of like those who follow Krishna, they have. Is that who Krishna is? Well, we say, yeah, Krishna has a form, you know, he is a person. He has pastimes as a cowherd boy. If you see him, he's playing the flute, you know. Okay. That's the imagery that I tend to see right. In the brochures. Yeah. Yeah. So you believe, okay, so what we see, just to be correct, is that the image of God? Yeah. Okay, so how does that fall into, for example, when we talk about monotheism, that, for example, the fact that God has an image, because we believe God is omnipotent. He's all powerful. He's not limited to the creation. He's outside the creation. There is nothing like him. Like, for example, we have a verse in the Quran, in Surah Ikhlas, it says, "Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Say he is one, self-sufficient. He does not beget, nor is he begotten, and there is nothing like unto him. So what in a nutshell that's telling us is, when we're talking about God Almighty, we're talking about his majesty in such a sense, because he's created, you know, have you seen that video which shows us how big our planet is to the whole universe and galaxy? We're insignificant. Absolutely. And think about the atoms that we have. He's in control of all of them. So what we say is to ascribe his attributes to... अच्छा इसमें एक चीज इसने धोखा दिया है, झूठ बोला है। इसने बोला है कि भाई खुदा जो है वो क्रिएशन में नहीं आता, ठीक है? अगर आप लोगों ने सुना, इसने बोला कि खुदा जो है, अल्लाह जो है, He is outside the creation. लेकिन ये जो अंगूर दावा है, ये हदीसों को मानने वाला इंसान है, ठीक है? तो हमने यहाँ कई दफा पे हदीस बताई हुई है कि हर रात को अल्लाह सुभान व तआला जो है वो पहले आसमान पर नुजूल करते हैं, पहले आसमान पर आते हैं, और वहां से फिर वो जो आवाजें निकालते रहते हैं, आवाज लगाते हैं कि भाई कोई है जो मांगने वाला है मुझसे, कोई है जिसकी दुआ को मैं कबूल करूं, कोई है, इस तरीके की बात जो है वो हमने यहाँ पे हदीसों में कई बार बताई है। तो इसका ये कहना कि अल्लाह जो है वो क्रिएशन के बाहर है, ये बिल्कुल झूठ है। हर रात में अल्लाह जो है वो
पहले आसमान पर पधारते हैं। और दूसरी चीज आप देखिए कि जिसने ये हदीस बताई थी उसको इस बात के बारे में पता ही नहीं था कि भाई दुनिया जो है गोल है। उसको पता ही नहीं थी दुनिया गोल है, उसको ये नहीं मालूम था जिसने ये हदीस बताई थी, उसको ये नहीं मालूम था कि भाई सारी दुनिया में एक साथ रात नहीं होती है। अगर हिंदुस्तान में रात है तो कोई और जगह पे दिन है, ये पता ही नहीं था उसको। इस लॉजिक के हिसाब से जाए कि पहले आसमान पे अल्लाह जो है रात के वक्त जो है पहली आसमान पे अल्लाह आता है तो वो दुनिया में ही रहेगा अल्लाह, वो दुनिया के मतलब आसमान के बाहर वो फिर से वापस जा ही नहीं पाएगा। ये ऐसा हो जाएगा कि वन वे आप समझ लो कि आपको दिल्ली जाना है, आपको दिल्ली की ट्रेन तो मिल गई, दिल्ली पहुंच गया आप, अभी वहां से रिटर्न आने की ट्रेन सब खत्म बंद, पागल बना दिया तुमको, अब दिल्ली में फंसे रहो। तो अल्लाह जो है वो इस हदीस के मुताबिक फिर सात आसमान क्रॉस करके अर्श के ऊपर कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि हर टाइम पे दुनिया में इस प्लैनेट पे कहीं ना कहीं रात होगी। तो ये चीज उनको नहीं मालूम थी, तो ये बात जो इसने है वो धोखा दी है। और इस बात का जवाब जो ये सवाल है कि पहले आसमान पे अल्लाह अगर आता है रात में तो वो 24 घंटे पूरे जो है वो आसमान पहले आसमान पे ही रहना पड़ेगा उसको, उस सात आसमान फिर जो है रिटर्न नहीं जा सकता अल्लाह, इसका जवाब कोई भी मोमिन के पास नहीं है। लिख के ले लेना, पूछ लेना कोई भी मोमिन से। आगे बढ़ते हैं। To human beings or give the attributes of God to human beings is blasphemy. So for example, we believe God doesn't have an image because anything that has an image is limited. So in that sense, you know, you said you're monotheist. Do you believe that for yourself before you became joined the movement of the Krishna movement is do you believe that is God? Like does it fully make you understand? Because doesn't it go against I would think that to not give him a form would be limiting him. You have a form, you have something that God does not have. So what makes you think you're better than God? Okay, but the thing जबरदस्त पॉइंट फिर से मारा है हमारे पंडित जी ने। एक पॉइंट पंडित जी को मिलता है और जीरो पॉइंट अंगूर दावा को मिलता है। वो कहता है कि ये कैसे सही हो सकता है कि खुदा को हम फॉर्म में कंसीडर करें, किसी भी फॉर्म में या इमेज में। सीधा क्लीन बोल्ड किया है जैसे कि सेंट्री मैन भाई ने बोला है। हालांकि इसने फिर से धोखा दिया है, खुदा का फॉर्म अल्लाह का फॉर्म है, अल्लाह की शक्ल है, चेहरा है, जिसको अरबी में वज कहते हैं। वज कुरान में कई मकाम पर अल्लाह ने इस बात का वज के बारे में बताया है कि तुम यहां मुड़ो या वहां मुड़ो तुम अल्लाह के चेहरे को पाओगे, इस तरीके की कुरान की आयत है। तो अल्लाह का चेहरा है, फॉर्म है, तो इसकी बात झूठ है और ये फॉर्म को मानने वाला है। दूसरी चीज, अल्लाह के हाथ भी है, दो हाथ है अल्लाह के। कुरान में खुद अल्लाह फरमाता है अपने दोनों हाथों से अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया। अल्लाह का शिन भी है, शिन पिंडली, और हमारे आदम साहब ने तो अल्लाह का क्या क्या नहीं बता दिया आप सबको मालूम है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब तक मैं खुद उन चीजों को नहीं देख लेता मैं वो चीज क्लेम नहीं करता हूं, तो इस वजह से मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन एडम साहब की अगर बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी या डिस्कशन, उसमें उन्होंने कई सारी चीजें अल्लाह की बता दी है, ठीक है। लेकिन जो कुरान में मिलता है वो चेहरे का जिक्र मिलता है, हाथ का जिक्र मिलता है और शिन का जिक्र मिलता है। उसके बाद फिर हदीसों में अल्लाह के पैर का जिक्र भी मिलता है कि अल्लाह अपना जो पैर है वो जहन्नम में डालेगा। तो इसकी ये बात झूठ है कि अल्लाह का कोई फॉर्म नहीं है। लेकिन पंडित जी ने मस्त क्लीन बोल किया कि भाई अगर तुम ये लिमिटेशन लगा दोगे खुदा पे तो वो तो लिमिटेड खुदा हो जाएगा कि वो फॉर्म नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भाई, खुदा है वो गॉड है, वो फॉर्म क्यों नहीं ले सकता, तुमने लिमिट लगा दी। आगे करते हैं।
thing is, for example, I exist, God exists. But the way I exist and the way God is two separate things. So, for example, if we say that things that I do, for example, I go to the toilet, does that mean I'm undermining God because he has to do something that I do so he's not better than me? Do you get what I'm trying to say? No, but we're talking about form. We're not talking about those kind of things. Mm. God can ultimately do what he's won. He's completely free in ways that we can never understand, you know. But God has a form. He has relationships. You know, what do we find the highest in this world is things like love. Yes. Those exist between personalities, yes. Between people. Yes. So this is very important. We speak about love of God, but you want to take away everything we know. No. This world is a bad reflection of the true reality. If you have a tree reflected in a river, you jump into that river trying to get fruit. Mm. You're not going to find it. You're just going to find illusion. Yes. You climb the real tree. That's where we're going. So the tree has form, but it's nothing compared to the reflection. We're talking about transcendental form. Wow, bhai, wow. अभी फिर से मस्त मिसाल दी पंडित जी ने, और उन्होंने मिसाल दी कि जिस तरीके से एक पेड़ है, ठीक है, उसकी एक इमेज होती है। अगर आप इमेज पर कुदी मारोगे तो आप ट्री को नहीं पकड़ रहे हो, वो उसकी एक इमेज है सिर्फ। अगर पेड़ पे चढ़ोगे, एक्चुअल पेड़ पे, तो वो आप पेड़ पे चढ़ रहे हो। तो उन्होंने ये फॉर्म को लेके इस तरीके का मस्त एग्जांपल दिया है। आगे देखते हैं हमारे अंगूर दावा साहब इस पर क्या कहना चाहते हैं। You know, okay. don't try and capture him within our three-dimensional logic. You'll fall astray. You know? No, exactly. That's right. So how do you fit Krishna into that when there is a form? But because we agree with you, what you said, for example, we believe God Almighty has a hand, but not the hand that we think of. Like. जब पकड़ा गया तो अभी क्या बोल रहा है? पहले क्या बोला? Formless है, form नहीं है। आप खुदा को form में नहीं ये कर सकते हो, यानी सोच सकते हो। अब कहता है कि अल्लाह के हाथ है, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं है। तो भाई तूने भी तो form बना दिया। तूने जो पहले argument रखा था कि form नहीं है, अब तू उससे जो है वो opposite argument रख रहा है। तो अंगूर दावा साहब, इस्लाम का मामला हमेशा इस तरीके से होता है कि आप जो भी आर्ग्यूमेंट देते हो, आगे जाके आप उसी आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हो। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है इस्लाम, जो कहीं ना कहीं आपको उलझा के रखेगा और आपको फंसा देगा। और यही चीज आप लोग हमेशा हमारे चैनल पे जो भी डिस्कशन करने आते हैं मोमिन हजरात, उनके साथ भी यही मामला देखते हो। वो जो आर्ग्यूमेंट देते हैं, आगे जाके उसी आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं, फिर वो डोगलापन करते हैं, है ना? आगे देखते हैं। I have a hand. No, he has a throne, doesn't he? That's, oh yes, and he rolls above his throne. Yeah. So he can sit in a throne. That means he has legs and no. See, well, why is there a throne though? Okay, why is the left hand of? ये पंडित जी है ना, ये नॉर्मल पंडित जैसे नहीं है भाई। क्या होता है ना कि अभी ये लोग जो मोस्टली लोगों को पकड़ते हैं ना, तो उनको इस्लाम का आइडिया नहीं रहता है, ठीक है? तो ये लोग उनके साथ खेल लेते हैं अच्छे से। पंडित जी को अच्छे से पता है इस्लाम के बारे में। पंडित जी अभी रिवर्स क्वेश्चन मार रहे है कि भाई अगर फॉर्म नहीं है और वो उसके जो जैसा बोल रहे हो आप वैसा नहीं है, तो उसको थ्रोन की क्या जरूरत है, अर्श की क्या जरूरत है? उसमें बैठता है अल्लाह, क्या करता है, कैसे करता है, उठक बैठक कर रहा है क्या? अभी कोई दूसरा होता तो ये उसको जो है ना पागल बना दिया होता, लेकिन यहाँ पे पंडित जी के सामने उसकी चल रही नहीं है, क्योंकि पंडित जी को बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस्लाम का पता है क्या? नहीं तो आगे बढ़ते, रुको। उन्होंने सही सवाल किया कि आरिश की क्या जरूरत है फिर? वो भी उसको कई सारे, उस आरिश को जो है कई सारे फरिश्ते थामे हुए हैं। अच्छा, पंडित नहीं है, जो भी है भाई, हमको तो ऐसे लोग को हम पंडित ही बोलते भाई, तो थोड़ा सा बैर कर लो, ठीक है? God, why can God hear our prayers? Yes. So what we say is, for example, with that is that just because, for example, what we do is, it's like if you get somebody who lived in Amazon and we brought him here and he saw me on my mobile phone. And my mobile phone, he heard someone speaking, he would go back to his people and say, I saw a device, it looked like a metal piece, and there was a voice coming from it. Now, his people would have to deduce from that, hold on a second, if it has
a voice, he has a tongue. If he has a tongue, well, it's not really that case, because he doesn't have an understanding of the mobile phone. He's ascribing that to what he knows best. Well, magic, do you get what I'm trying to say? Magic is a science that we don't understand. That's what you're saying. So yeah. I think the higher you go, you see, you can't escape duality. अच्छा इसमें भी देखो, इसमें भी देखो कि ये लोग किस तरीके से धोखा देके एक ऐसी एग्जांपल लेके आते हैं जो इनके खुदा पे मैच भी नहीं होती है। ये क्या कहता है, एग्जांपल देता है कि भाई मिसाल के तौर पे मोबाइल है, ठीक है, आप मोबाइल में बात कर रहे हो किसी से, तो वो मोबाइल का थोड़ी ना जबान है, मोबाइल की थोड़ी ना टंग है। ये इस तरीके का आर्ग्यूमेंट दे रहा है। इस गधे को ये नहीं मालूम है, मालूम है लेकिन धोखा देने की कोशिश करते ये लोग, कि भाई मोबाइल जो है वो अपनी आवाज नहीं निकालता, मोबाइल वो आवाज निकालता है जो किसी जबान से, किसी के मुंह से निकली हुई है। तो एट द एंड जो बात कर रहा है मोबाइल से, उसकी जो आवाज आ रही है वो किसी के मुंह से निकली हुई आवाज ही होती है। आगे बढ़ते हैं। You're offering prayers to God. There will always be that, you know, servant to master relationship. Yes, you know, we're it should not be like that. It was always going to be like that. So we can't, it's not that, like I say, we can't just become one, you know, it's not all just energy. No, definitely. There'll always be me offering prayers. When I pray, I speak to God. Yeah. And when I read, say, the Quran, God speaks to me, you know. So there'll always be that two-way communication. You're never going to be able to take that away. No, 100%, definitely. That exists between personalities, you know. For the personality, there has to be a form, you know. So you. अच्छा इसमें एक इन्होंने और एक बहुत जबरदस्त पॉइंट रखा कि भाई ये तुम लोगों में स्लेव और मास्टर वाला रिलेशन है। आप देखो ना क्या कहते हैं, बंदा कहते हैं, बंदा, बंदा किसको कहते हैं, सर्वेंट को बोलते हैं, स्लेव को बोलते हैं। तो कह रहे कि भाई ये हमारे उसमें जो है वो स्लेव मास्टर वाला हिसाब नहीं है, ये तुम लोगों के अंदर है। खुदा से जो है वो प्यार किया जाता है, जो गॉड होता है, जो ईश्वर होता है, उससे प्यार का रिलेशन होना चाहिए, ना कि स्लेव मास्टर का। कैसा खुदा है यार इनका, हर जगह पे उसको जो है ना मास्टर बनना है, अपनी मखलूक को स्लेव बना देना है, फिर उससे काम लेना है, फिर वो नहीं करे तो उसको जहन्नम में डालना है। ये क्या मुसीबत है यार, ये प्यार वाला रिश्ता क्यों नहीं है, ये बंदगी वाला रिश्ता क्यों है, ये सर्वेंट वाला रिश्ता क्यों है इस्लाम में। तो ये सोचिए आप कि इतना थर्ड क्लास कॉन्सेप्ट है इस्लाम का। आगे देखते हैं। Are you saying that the form aids to understand that there is a relationship between point A and B? So the form is an aid or a compass? I mean, in the spiritual world, you know, form is subordinate to the actual rasa or relationship with the Supreme Lord. Yeah, you know, you can be whatever you want, whatever he wants you to be, you know, if you want to return, so be it. Sure. But that's not important, you know. What's important is the actual relationship. If he wants you to stay here and to continue preaching, we have another thing, which is reincarnation. Yeah, so our goal, you know, Nadanama Janama Sundarim Kavitamba Jagadisha Kamaya Mama Chan Mani Chan Mani Ishvare Bhagavad Bhakti Rahaitaki Twayi. So that is Haitaki means without any motivation. So, you know, I do not want beautiful women, I do not want a number of followers. I just want your closest devotional service, birth after birth. So yeah, baby must take them inone jo hai pandit ji ne bajayi hai, wo bolta humko khoobsurat ladkiyon ki zarurat nahi hai. हमको नंबर्स की जरूरत नहीं है प्रीचर्स की, जैसे कि मस्त, मतलब ताना भी ऐसा दिया है ना कि ये अंगूर दावा जो है ये दो तीन दिन सोया नहीं होगा। वो कहते हैं हमको जो है ना वो खूबसूरत लड़कियों की, औरतों की जरूरत नहीं है, और हमको नंबर्स की जरूरत नहीं है। और इनके वहां पे जो है ये सेम कॉन्सेप्ट है। लालच किसकी दी है, हूरों की, राउंड राउंड एकदम सुडोल बूट्स वाली, लटके नहीं हुए होंगे। इब्ने कसीर 78:33 राघव भाई की जो फेवरेट आया है, आयत है 78:33, उसकी तफसीर में इब्ने कसीर खुद लिखते हैं, यहाँ जो माना है उसका माना ये है कि वो जो हूरों के जो बूट्स होंगे वो लटके हुए नहीं होंगे। और फिर दूसरी चीज के इनको नंबर से बहुत फर्क पड़ता है,
इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन. कोई एक अंदर आ गया तो ये उसको जो है ना वो उसको एकदम भगवान का वो दर्जा दे देते हैं ऑलमोस्ट. नंबर से इनको बहुत फर्क पड़ता है कि किसी तरीके से हमारे नंबर्स बढ़ते जाए. और ये थिंकिंग कहां से आ रही है नंबर्स वाली, ये थिंकिंग खुद रसूलुल्लाह देते हैं. वो कहते हैं कि मैं उस औरत पे फखर करूंगा या उसके लिए दुआ है जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगी. क्यों? क्योंकि उससे जो है वो रसूलुल्लाह की उम्मत जो है वो नंबर्स में ज्यादा होगी. तो ये नंबर वाला कॉन्सेप्ट जो है ये खुद रसूलुल्लाह की तरफ से आ रही है चीज. और ये एक स्ट्रीम में हमने ये कवर भी किया था. आगे बढ़ते हैं. You know, the pure devotee or somebody who's fully surrendered, he's ready to come back life after life. Yeah. Life after life after life, you know, okay. So to continue to save. So that's quite nice, because you're saying basically submitting your will to God away from the desires that we have, for example, be it woman, cars, followers, ego, all this kind of stuff. And this is something Islam teaches. What it does is it tells you to divorce these things, not totally, because you can get married. The Prophet said, I did get married, you know, I did fast some days and some days I didn't. The thing is here is that the connection to God Almighty, which I understand we have a connection there, we're freeing yourself from the desires of this world and submitting your will to God Almighty. But in order for us to submit our will to God Almighty, we need to know who He is, what's His attributes and what He wants from us. Because otherwise, what we will do is we will think, okay, anything, because if Christians come and say to me, Jesus is God, why should I not follow that? If you come to me and say Krishna is God, why should I follow that? Where do I draw the line? Look at the essence. I mean, all religions preach the same thing. I mean, it's ultimately giving up the lower, you know. अरे यहाँ पे पंडित जी थोड़ा गड़बड़ कर दिए. मैं पंडित जी की जगह पे होता तो ये स्टेटमेंट कभी नहीं कहता कि all religion preaches the same thing. यहाँ पे पंडित जी ने गड़बड़ी कर दी है. किस किस को ये बात मेरी सही लगती है वो जरा कमेंट में जरूर मेंशन करना. ऑल रिलीजन डज नॉट प्रीच द सेम थिंग. इस्लाम की प्रीचिंग क्या क्या है वो हमने यहाँ पे बताए हुए हैं. 2.5 साल से यहाँ हम इस्लाम की टीचिंग ही बता रहे हैं. तो यहाँ पे पंडित जी जो है यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा 0 मार्क्स दूंगा, क्योंकि उन्होंने ये गलत स्टेटमेंट वहां पे दे दिया. All religion does not preach the same thing. आगे बढ़ते हैं. Lower materialism to achieve the highest, you know. Prakriti kriya manani gunai karmani sarvasha ahankara vimudatma kartaham iti manite, you know. Is that deluded under the 3 modes of material nature. The living entity thinks himself the doer of the activities which are in actuality carried out by the 3 modes of material nature. Ahankara, false ego. Is that you think you're human. You know, you think you're a man and you think that because I'm a man, I'm going to go and do this, you know. We say, no, that's not who we are. There's a very similar verse in the Quran where Allah says, very similar, and it says, and they think they are the ones who engage in combat, but it wasn't. It was. It's a Lord. Yeah. He's ultimately given us a... Dawood sahab, humare thoda... दाऊद साहब, ये हमारे दाऊद साहब जो है थोड़ा कोशिश कर रहे हैं पंडित जी को ठंडा करने की, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं है. जब अंगूर दावा की बोलती सिटी बंद हो चुकी है ना, तो ये कैसा फड़फड़ाता है. ये अंगूर दावा किस तरीके से फड़फड़ाता है ये आप सभी लोगों को मालूम है, लेकिन यहाँ पे अंगूर दावा का जो है वो उसका फड़फड़ाना जो है वो एकदम शांत हो गया है. एकदम उसको जो है वो एकदम लाचार कर दिया हमारे पंडित जी ने. ठीक है, तो भाई दाऊद भाई तुम खामोश ही रहो, ये ज्यादा बेहतर है. आगे देखते हैं. Facility to exercise our free will. Now, how are we going to use that? Are we going to use it for glorifying him? Or are we going to use it for our own selfish needs? That's the battle. Right, okay, now. So you know when it comes to glorifying him, like, do you think that, for example, if I was to glorify my mom or my dad, not the level of God, if I did it in a way where I felt befitting. So for example, my mom, I want to show my gratitude to my mom and I want to glorify her for the things that she's done for me. And I know what she wants from me, but I say, no, you know what, mom? My mom says to me, I want Mercedes, argument sake, Mercedes car. I want an E-Class. I go and buy a Ford Focus or something like that. Now, she's going to say, I'm telling you how I would like you to glorify me. You're going out with your own logic and getting me something that doesn't befit me of who I am. That's speculation. Yeah. So do you not? फिर से एक डंडा दिए. मिसाल भी कितनी भद्दी होती है. देखो ना, ये कहता है कि अगर मेरी माँ है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ, मेरी माँ मेरे से मर्सिडीज मांग रही है,
और मैं उसको लाके दूसरी कार दूं तो चलेगा क्या? माँ बोलेगी ना, अरे भाई मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा कर। तो भाई ये कोई मिसाल नहीं होती। अच्छी माँ जो होगी वो ये देखेगी कि भाई चलो मुझे मर्सिडीज चाहिए था, लेकिन मेरे बच्चे ने कम से कम जो है वो रॉयल रॉयस लंबर की नहीं बोल देते, तो वो मर्सिडीज के बदले लंबर की नहीं ला के दे रहा है बच्चा, तो ये थोड़ी ना बोलेगी कि भाई तू लंबर की नहीं लाया है, अब तेरे को जो है ना हमेशा हमेशा के लिए जलाऊंगी मैं। रॉल्स रॉयस, सॉरी, थैंक यू, भरोसे वाला एंड सेंट्रीमैन सुधीर नायर, थैंक यू। तो वो ये थोड़ी ना बोलेगी कि अब मर्सिडीज के बदले तूने रॉल्स रॉयस लाके दिया है तो अब तू मेरा अच्छा बेटा नहीं है, तेरे को जलाऊंगी, तेरे को घर से बेदखल कर दूंगी, तेरे को चटका दूंगी, ऐसा थोड़ी ना बोलेगी माँ। तो इनके एग्जाम्पल ही गलत होते हैं। ये बोल रहा है कि इसी तरीके से अल्लाह जिस तरीके से चाहता है आपने उस तरीके से उसको मानना है। तो पंडित जी ने एक मस्त तमाचा दिया, बोला भाई ये तेरे स्पेकुलेशन है खुदा ये सब नहीं बोलता, ये तुम लोगों के स्पेकुलेशन है ये सब। आगे थिंक दैट व्हेन इट कम्स टू ग्लोरीफाइंग गॉड, इफ वी डू नॉट हैव द ट्रू मैसेज, हाउ कैन वी ग्लोरीफाई हिम इफ वी डोंट नो हु ही इज? बिकॉज़ इफ वी गो इन आवर वे, फॉर एग्जांपल, इफ यू से कृष्णा इज गॉड और समथिंग लाइक दैट, वी बिलीव गॉड हैज नेवर एंटर्ड हिज क्रिएशन, there is no form in the context where there is nothing like. फिर से इसने जो ये बात कही है कि God never entered into the creation, मैंने पहले ही साबित किया कि खुदा आता, अल्लाह आता है पहले आसमान पे हर रात में। तो yes, इस्लामिक अल्लाह जो है वो creation में अपने आता है, ये झूठ बोल रहा है। Him and he is one. So isn't it a disservice or a deep glory? We're not glorifying him. We're actually insulting him when we give the attributes of his glorious nature to be it Krishna or Muhammad, some Muslims do this as well. Jesus, अरे यहाँ पे जो है ये थोड़ा ये बताने के लिए कि भाई मोमिन लोग भी इस तरीके से करते हैं, यानी खुदा की जो सिफत है वो रसूलुल्लाह को दे देते हैं, जैसे कि बरेलवी हजरात और बाकी जो फिरके हैं, क्योंकि ये जो है सलफी है, ये सलफी है अंगूर दावा। तो ये कह रहा है कि हम लोग में भी कोई कोई लोग जो है वो खुदा की सिफत जो है वो बंदों में दे देते हैं, तो ये सही नहीं है, ये तो उसकी डिसरिस्पेक्ट है, इस तरीके से ये आर्गुमेंट दे रहा है। You're entitled to believe whatever you want. I mean, if that's what the Quran teaches, then go with it, you know? पंडित जी कह रहे हैं कि भाई तेरे को अगर तेरा कुरान ये सिखाता है तो तू कर, ये तुम लोग का मसला है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये तुम दूसरे पे क्यों थोपते हो? और फिर जो नहीं माने फिर तुम उनका जीना हराम कर देते हो। तो मस्त पंडित जी ने मस्त बोला कि भाई यू आर एंटाइटल्ड टू बिलीव व्हाट यू वांट टू बिलीव, यू वांट टू बिलीव स्टुपिडिटी, गो अहेड, वैसे भी दिमागी अपंग है तुम लोग, तो मानो, फोर दूसरों पे मत वो डालो, वैसा तुमको मानना है, तुम्हारा कुरान सिखाता है, जाओ करो तुम लोग। But do you think it's correct to do that or not? Like, in the, if you're giving the attributes of God Almighty to Krishna, I think it's correct. कितना बेशरम है कि ये फिर भी बोलता है कि ये सही है क्या? Follow the scripture that you're following. You know, if I'm cooking pizza and you're cooking cake, you know, and you're telling me to take parts of your recipe and somehow put it in mine, it's like I'm not interested, you know. अरे बाप रे, खतरनाक है भाई, खतरनाक है ये इस्कॉन वाले बोल रहे कि मैं पिज्जा बना रहा हूँ, मैं मेरे पास पिज्जा की रेसिपी है, तेरे पास केक की रेसिपी है, तो मैं पिज्जा बना रहा हूँ, तू लाके केक की रेसिपी उसमें बोलेगा कि केक की रेसिपी के हिसाब से बनाओ, तो ये सही है क्या? ये तो तुम पिज्जे की बम्बू लगा दोगे। बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, खत्म। लेकिन ये इतने बेशरम है ना, ये फिर भी अपना जो है ना वो छोड़ेंगे नहीं, देखते आगे क्या है। Yeah, I'm cooking cake here. You can cook whatever you want according to the recipe that you've got. So but isn't there one truth? There has to be, because if you're saying there's multiple truths, then how do we reach God? Because if I come and say I believe God, Satan is God, for example.
No, people can, and it's a very good point. But is it true? But we have to differentiate. Mm. You know, what is the goal? Satanism is people. What's their role? You know, they're worshiping the Antichrist. I'm surprised you even brought up that example. It's ridiculous. But they believe that is the. अरे इसमें ये लोग का बहुत बड़ा जो है ना वो शानापन करते हैं इस तरीके से कि भाई there has to be only one truth. There cannot be multiple truth. क्यों भाई मल्टीपल ट्रूथ क्यों नहीं हो सकता मल्टीपल रास्ते क्यों नहीं हो सकते वो एक ट्रूथ की तरफ 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 होता है 2 इंटू 2 भी इक्वल टू 4 होता है 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 होता है 2 प्लस 2 प्लस 1 जो है वो भी 5 होता है तो क्यों नहीं हो सकता मल्टीपल ट्रूथ भी हो सकता या मल्टीपल वेज भी हो सकते हैं उस ट्रूथ तक पहुंचने के लिए तो ये जो तुमने गड़ा हुआ है ना कि भाई हमारा वाला ही सच्चा बाकी जितने लोग हैं दुनिया में सारे के सारे पागल बेवकूफ बैठे हैं सबसे बड़ा तुम लोग का प्रॉब्लम ये है और इसी वजह से तुम लोग कट्टर बोला जाता है ये तुम्हारी हरकतों के वजह से क्या वो पंडित जी ने आपको बोला कि मेरे हिसाब से तुम खुदा को मानो हमारा वाला ही सही करके उन्होंने बोला पंडित जी ने नहीं बोला ना तो स्पेस दो ना भाई लोगों को स्पेस दो क्योंकि खुदा जो है ना वो आसमान पे और ये बात मैंने कई बार बोली है खुदा या गॉड या परमेश्वर या भगवान आप जो भी उसको कहते हो वो खुदा वो आसमान पे आके नहीं बोलता है कि मैं ऐसा हूं ये लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो किस तरीके से खुदा के कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस वजह से मैं कभी भी दो I don't believe in any religion या मेरे लिए concept of God ये बहुत अलग मेरी चीज है मानना है आप लोग सभी लोगों को मालूम है कि मैं क्या मानता हूं लेकिन मैं मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक इंसान खुदा के concept को किस तरीके से मान रहा है मूर्ति पूजा के जरिए से मान रहा है बिना मूर्ति पूजा के जरिए से मान रहा है किस उसके हिसाब से भगवान खुदा का क्या रूप है क्या नहीं है आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम क्योंकि खुदा जो है वो आसमान पे आके बता नहीं रहा है किसी को कि मैं ऐसा दिखता हूं या मेरा फॉर्म ये है या मैं फॉर्मलेस हूं कोई साबित नहीं कर सकता सो आपको वो स्पेस देना पड़ेगा लोगों को कि भाई जिस तरीके से आपको मानना है आप मान सकते हो ये नहीं कि हमारा ही मानो क्यों भाई तुमको ऊपर आके अल्लाह जो है वो रोज रात में आके आवाज दे रहा है सुनने में आ रहा है तुमको कि मेरे दो हाथ है राइट साइड में किसी ने सुना कोई मुसलमान ने सुना सकता है किसी को तो ये जिद वाली चीज तुमने क्यों पकड़ी हुई है तुमको मानना है मानो दूसरों पे फोर्स मत करो दूसरों को ओपन रखो उनको जिसको मानना है उनको पेड़ को मानना है मानने दो उनको पत्थर को मानना है मानने दो उनकी मर्जी आगे बढ़ते हैं true God. So you would say they're wrong. God, though, it's the Antichrist. They're worshipping it. They believe in evil and they believe the way to God is through demoniac practice. But why are they wrong? Because they'll say the same thing to you. This is my way of making my pizza. Why are you telling me? No, I mean, they can believe what they want, but it's what is there. फिर से अब ये वहां पकड़ने की कोशिश कर रहा था एंटी क्राइस्ट के बारे में जो ये सैटनिज्म के बारे में बोल रहा था तो पंडित जी बोले कि ये वो सही नहीं है गलत है तो बोलता कि अगर वो लोग भी ऐसी बोले कि भाई ये मेरी रेसिपी है पिज्जा की तो बोलते ठीक है उनकी मर्जी उनको मानने दो क्या प्रॉब्लम है आगे the destination is very different exactly you know? how wouldn't you not want to help them in their path because they're in the wrong path it's the same with us and same with you towards us by the way I would never say the same about you because I do believe you're on the wrong path I believe you're on the right path you know but I'd never say that you're on the wrong path you know yeah. Okay have you ever read the Quran have you ever given it a chance like yeah. What was your thoughts of it like is it what I mean I liked it I think there's a lot of truth in it anaish fi kahira arba sanin Kalam Arabi Shwaya Shwaya, you know. Arabic. Yeah. Oh, I was thinking he's speaking the thing again. No. No, I lived in Egypt for 4 years. I had a lot of good friends. ये पूछ रहा है कि तुमने कुरान पढ़ा हुआ है क्या?
तो कहते हैं हाँ मैं पढ़ा हुआ हूँ, उसमें है बहुत सारी चीजें अच्छी है। वो ये अंगूर दावा को भी अरबी आती नहीं रहेगी। पंडित जी बोल रहे हैं मैं इजिप्ट में रह चुका हूँ कई साल, तो मेरे को पता है। That were Muslims and so forth. So, I mean, I know the practice and I'm very sympathetic towards the cause. You know, so I'm not a stranger to any of this. I've been to mosques. I like the culture, and I have to say that I'm a believer in some respects. You know, I mean, I see. Ultimately, you have to look at the different. I mean, I would never be so proud to say that. You know, our path is the only way, because there's so many different types of worshippers, you know, and it's a very personal relationship. I'm just doing what I think. Exactly. कह रहे कि ये बहुत personal relationship है, ये आप किसी पे force नहीं कर सकते हो. There are many types of worshippers with different ideologies, different understanding. It's a personal thing. You cannot force anyone. Would be the best thing, but that's the problem. You see, the quickest route, you know, back. You see, when you say I think, like even the same with me, if I said I think this is the best way to go to God, who am I? I'm talking to myself to think, because I'm limited. So well, if you, I no, you can have a bias. I think a bias is healthy. Otherwise, we wouldn't have. We all have some biases. We wouldn't have conversations like this. Yeah. In these conversations, a lot of creative work is done between different schools. Yes. Like Bruce Lee said, don't fear the man who knows 1,000 kicks. Fear the man who knows one kick perfectly. Yes. So all you have to do is define your style in this life, you know? And he said, be like water, shapeless. We don't agree with that. So, yeah, no, I understand. Yeah, like with us, you maybe, you know? Yeah, like, yeah. No, what we're just doing with our perspective is just we want to call people, because there has to be ultimately one truth. There might be a lot of ways, but there has to be one truth to God. And if God Almighty... You're talking about cultural religion and then eternal religion. We call that Vanashram Dharma or Sanatan Dharma. Okay. Sanatan Dharma is the truth, regardless of cultural or material or whatever. Yes. You've got to get across that river. And it doesn't matter what kind of boat you're in, you know. While we're on the river, I can talk about your boat, you can talk about my boat. When we get to the other side, we get out of the boat, you know, and then we're gone, you know. It's not about the boat. But wouldn't it be too late, because once we die, and then that's, we're going to know the truth or not? So once we're there, is it, if we all wait and say, you know what, all right, let him do his thing, let me do my thing, which is okay, but what I'm saying is preaching to each other, talking about each other's boat, because we can say, okay, I don't think God is so cruel, you know. I think if somebody makes he's the most merciful, exactly, so but he will not forgive. Wow. ये पंडित जी कह रहे हैं कि भाई आई डोंट थिंक गॉड इज क्रूअल. तो वो बोलता है नहीं नहीं मर्सीफुल है हमारा वाला खुदा, जो है वो बहुत मर्सीफुल है. भाई कौन सा मर्सीफुल खुदा है तुम्हारा? काफिरों से नफरत करता है, मूर्ति पूजक से नफरत करता है, अपनी ही क्रिएशन को हमेशा हमेशा जहन्नम में डालेगा. ये कौन सा मर्सीफुल खुदा है भाई तुम लोगों का? थोड़ा दो बार तो भी सोचते तुम लोग मर्सीफुल बोलने से पहले. काई का मर्सीफुल जी है क्या? बात है तुम्हारी मर्सीफुल कते मर्सीलेस खुदा मर्सीफुल कते हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलाता उन्हें मर्सीफुल कते. नया ला रहे इन लोग हमारे सामने. Associate partners to him. I don't think it would be merciful. I don't, let's say I'm right, you know. I would never say that you wouldn't have a chance, you know. Everybody's got a chance, you know. Show love and if you spend your life dedicated towards Allah, you know, and you're calling out his name, I don't think it matters really what you're calling, but it's the love that you actually present before him, you know. सही कहा, ये कह रहे कि तुम जिंदगी भर उसको अल्लाह बोल रहे, ठीक है, डजंट मैटर कि तुम उसको अल्लाह से बोलो या क्या से बोल रहे हो, एट द एंड जो है लव मैटर करता है. I feel like Krishna, I haven't understood Krishna really well. So was Krishna a human being who's lived on earth? Okay, so that's... First of all, yeah. I mean, we go with it. I mean, you can say that he's not allowed to come here, but he can come here if he wants. Sure. Why are you limiting God again? But that's not befits his majesty. So it's limiting. But how? Okay, can God become my watch? God is everything, but in just diverse energies. You know, everything is the energy of God because it all came from him. But what about like when you go to the toilet? Like, are we going to say that's a part of God? Everything's a part of God. But see, this way we say. ये बहुत कोशिश कर रहा है कि पंडित जी को किसी तरीके से मैं फंसाऊं. लेकिन बेचारा जो है उसको ऐसा जवाब दे देते हैं पंडित जी के इसके पास जो है ना उसका फिर जवाब ही नहीं होता है. वो कह रहा है कि भाई खुदा जो है वो तो घड़ी बन सकता है क्या, टॉयलेट विलेट का ये हो सकता है क्या?
कह रहे कि भाई कुछ भी हो सकता है उसके पावर में, वो उसी से आई है सारी चीजें. It would dishonor him if we say everything, that. Is everything an atom? If you look at the atom. Yeah, but God is not an atom. God exists in the atom. Atoms have reality. No, atom is. ये कह रहे हैं कि भगवान जो है वो एटम में भी है, हर एक चीज में है, कण कण में है. Atom is unlimited. An atom has reality because God is present within it. But atoms have a beginning and an end. No, everything is eternal. Energy is eternal. That's the first principle. No. Any energy. Yes. Second. It cannot be created or destroyed, but in a closed system. Exactly. But the thing is, we know there's a limited set amount of energy. So the fact that it's limited shows you why is there a limit to it. No, energy cannot be created or destroyed. But it can be limited in this context. So for example, जब energy cannot be created or destroyed, तो इस बात से तो ये हो गया ना कि energy को किसी ने बनाया नहीं, खुदा ने नहीं बनाया energy को. या तो आपको ये मानना पड़ेगा कि खुदा energy ही खुदा है. जब आप इस चीज को मान रहे हो, ये कह रहे कि limit कर सकता है. लेकिन अगर आप ये मानते हो कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, तो यहीं पे तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह के सिवा बाकी सारी चीजें क्रिएटेड है, ये खत्म हो जाता है. इसको बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अल्लाह क्रिएटर है, बाकी सारी चीजें क्रिएटेड है, ठीक है. लेकिन यहां पे इस बात से ये एग्री कर रहा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. अगर एनर्जी क्रिएटेड नहीं है, मतलब खुदा ने उसको नहीं बनाया, वो पहले से है. या तो आपको ये मानना पड़ेगा कि एनर्जी ही भगवान है, एनर्जी ही अल्लाह है, ये भी तो नहीं बोलते ये लोग. आप समझ रहे? तो बड़ा जबरदस्त पंडित जी ने इनको सवाल किया है और ये जो अंगूर दावा है यहाँ पे पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है. आगे देखते हैं. It cannot be created or destroyed in a closed system, but if it's limited, so example, we have 1 trillion particles of energy. Why 1 trillion but not 2 trillion? So the fact that there's a set amount of energy shows its limit. तो भाई, why one Allah? Why there cannot be multiple Allah? Why there cannot be unlimited Allah, unlimited God? जो तू सवाल कर रहा है वो सवाल तेरे ऊपर भी तो आएगा ना, जो तू आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश कर रहा है. अगर ये कह रहा है कि इतनी एनर्जी है, इतनी क्यों नहीं है, तो एक अल्लाह क्यों है, दो अल्लाह क्यों नहीं हो सकते, तीन खुदा क्यों नहीं हो सकते, चार खुदा क्यों नहीं हो सकते, वो भी तो पॉसिबल है. God is unlimited. God is not an atom or energy. So what we see is the fact that we have energy and it cannot be created or destroyed. God is unlimited. मतलब अभी God is one नहीं है. ये देखो, ये तो काफिर हो गया. बोल रहा है God is unlimited. तो God is unlimited मतलब तू काफिर हो गया भाई. अभी तक तो तुम कुल हु अल्लाह हुद, अल्लाह एक है कह रहे थे. अब तुमने मान लिया God is unlimited. तुम तो काफिर हो गए, हमारी सफ में आ गए भाई. ये अगर वहां पे होता, क्या कहते हैं उसको, शरिया वाले देश में, तो इसको तो कत्ल कर दिया जाता इस कुफ्र पर, इस गुस्ताखी पर. गॉड इज अनलिमिटेड बोल रहा है वो, खत्म हो गया मामला वन गॉड का. सही कहा इंडियन भाई ने, ये अंगूर कंफ्यूज हो गया. और कंफ्यूज करने वाले ये हमारे इस्कॉन वाले जो हजरत है, इन्होंने पहली बार जो है अंगूर दावा का चपका दिया है उन्होंने पैर के नीचे रख के. आगे. Well, everything is. Is that outside of God's reign? No, it's not. So what we see is the energy of God. Everything is energy. Okay, no, what we see is God created it, but God is not it. So if we're going to glorify God, if we're dropping him to the level of an atom, which is magnificent. We see his creation, but to say I made a chair, then I become a chair. Why do I need to become a chair? This is where we differ in our understanding. Yeah. Is that the core of our philosophy is Achintya Abheda Bheda Tattva. Achintya Abheda Bheda Tattva means simultaneously one, Abheda Bheda Tattva, which means Tattva is truth. So simultaneously one and different, you know, so that he is, but the simultaneously is not, you know. So he is his creation, but not. And Achintya means inconceivable. So good luck trying to understand that one. I think what Muslims traditionally have done is they suspend the judgment
on the essence of God. So there's not commentary on it, because it would be speculation to speculate the essence of God. But you are saying that your text reveals the essence. It gives form, it gives personality, it gives so much wonderful, wonderful pastimes, you know. No, same thing. We have attributes of God, of who he is, but and what he's done and how merciful he is to his servants. But the thing is, it's to speak about him without true knowledge is dishonoring. Wouldn't you like those details? No, we would, and we do. Does he have straight hair? Does he have curly hair? I mean, you want to know about God. But why do you even say straight or curly? That's because of what you've seen in the creation. No, but that's the thing. That's because you've seen something in the creation. We'll talk about beauty. तो भाई अगर तू creation के हिसाब से जा रहा है तो face जो है पैर जो है ये भी तो creation का हिस्सा है. फिर अल्लाह के लिए face क्यों मान रहे हो? चेहरा क्यों मान रहे हो? हाथ क्यों मान रहे हो? जिसने कुरान लिखा उसने भी इंसानों को मद्देनजर रखते हुए ही लिखा ना. अल्लाह के फेस की वजह की बात कर रहा है, अल्लाह के पैरों की बात कर रहा है, तो वो भी तो इंसान को देख के ही उसने लिखा है. कुरान लिखने वाले ने क्या उससे हटके उसने लिखा है? नहीं. तो तुम ये सवाल सामने वाले पे क्यों कर रहे हो कि आप उसके बालों के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आप जो है वो क्रिएशन को देख के अंडरस्टैंडिंग आपकी आ रही है. तो तुम्हारे कुरान की अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएशन को देख के ही आई हुई है कि उसका चेहरा है, उसका हाथ है. आगे देखते हैं. No, but who said beauty needs curly or straight hair? Beauty is that's part of beauty is curly. No. He always says this to me. Allah is beautiful. We have this, and He loves beauty. अच्छा, अब Allah is beautiful. बिल्कुल, ये कुरान की आयत है. Allah खूबसूरत है. Allah को Allah खूबसूरती को पसंद फरमाता है. तो भाई खूबसूरत होने के लिए उसका फॉर्म होना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है. बोलो भाई लोग कमेंट में बोलो, खूबसूरत होने के लिए उसका फॉर्म होना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है. बिना फॉर्म वाली चीज को आप खूबसूरत कैसे बोल सकते हो? तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उसको फॉर्मलेस कह रहे हो तो ये बात जो है फिर वो फिट नहीं होती है कि अल्लाह खूबसूरत है. वरना अल्लाह को खूबसूरत मत कहो. और मुझे नहीं पता कि अल्लाह हूरों से ज्यादा खूबसूरत होगा या हूरों से कम खूबसूरत होगा. ये मोमिन हजरा जो है खुद डिसाइड कर ले. आगे देखते हैं. Again, but you're talking about polymorphism. It's like if polymorphism? Polymorphism is the concept that God is ascribed to our own image, you know? Okay. If a triangle had a god, then it would have three corners. If a horse had a god, it would look like a horse. Yeah, know, okay. So forth. Yeah. But I've already taken up a lot of your time. I'm glad we can agree to disagree. No, so thank you. Look, what was your name? Kavi. Kavi, it was a pleasure. I'm so sorry. Okay. Honestly, I had so many more questions. I hope we meet again. No, yes, me too. Yeah, Inshallah. और ये कौन सा काफिरों वाला तरीका कर रहा भाई? Kavi, it was a pleasure. I'm so sorry. ये हाथों को ऐसा करना कहाँ से लाया भाई? ये काफिरों वाला तरीका है. ये क्या है? ये इस्लाम को छोड़ के, रसूलुल्लाह की टीचिंग को छोड़ के तुम कौन ये काफिरों वाला तरीका लेके आ रहे हो? Thank you. It was a pleasure. I think we learned a lot. Thank you. Take care. Thank you very much. I think, guys, it was quite interesting. Yeah. We had a really nice discussion. Yeah. Obviously, we do want to learn his way or his belief system. Yeah. But at the same time, we do not want to send him without Tawheed and talking about Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. We did our bit and we learned. As well, I think we learned from each other. Yeah. And he was a nice gentleman. Abe, tum log learn nahi karte ho. Tum log samne wale ko sikhane ki koshish karte ho. तुम लोग लर्न नहीं करते हो, समझे? अंगूर दावा. तो भाई लोग, आई होप आपको ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा. बिल्कुल एक घंटा खत्म होने वाला है तो मैं, हाँ, क्लीन बोल्ड हो गए हमारे अंगूर दावा साहब. बड़ा ही जबरदस्त डिस्कशन रहा है. आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिए. और आपको बता दूं कि 7:30 बजे भी 4,200 लोग हमें देख रहे हैं, विच इज इनसेन. थैंक यू सो वेरी मच. जितने नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. फटाफट से कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं और उसके बाद तुरंत जो है वो स्ट्रीम को क्लोज करेंगे. गॉड कह रहे हैं, भाई आपको सब जानते हैं, फिर मास्क क्यों पहना है? भाई मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, मैंने अपना चेहरा अपीयरेंस पूरा बदल लिया है, तो जो नया साहिल है उसको नहीं देख सकते. आई होप ये वाला अवतार जो है आप लोगों को पसंद आया होगा. थैंक यू सो वेरी मच.
रणदेव बिल्ला कह रहे हैं ये न्यू लुक देख मैं भी पाताल लोक से निकल आया भाई, मिस यू, आई वाज विथ यू ऑलवेज वर्किंग टू रिस्टोर योर चैनल इन इंडिया भाई भाई, थैंक यू सो वेरी मच रणदेव बिल्ला भाई। और रणदेव बिल्ला भाई फिर कह रहे लव मोमो लाइफ मोमो पीस, थैंक यू सो वेरी मच, मैं समझ गया कौन है आप, बहुत बहुत शुक्रिया रणदेव बिल्ला साहब। सुमन तो चक्रवर्ती कह रहे हैं मिमी हिजाब के साथ एडम का डिबेट कब होगा, यार भागेगा मिमी हिजाब, आएगा नहीं वो, उसको पता है। रामा राव बहुत है ईसा, सबको एक्सपोज करो साहिल भाई जी। मैं अभी अगर ये हिट होते हैं वीडियोस रिएक्शन वाले तो मैं ऐसे और भी डिस्कशंस और मौलवियों के वीडियो पे जो है वो रिएक्शन देता रहूंगा। नो वन करे आई हैव नेवर मिस एनी स्ट्रीम ऑफ योर्स, लव यू साहिल भाई, थैंक यू नो वन भाई। रीनर ऑप्टिमस भाई मेंबर बने, थैंक यू शाहिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेंबर बनने के लिए। किरण रेड्डी कह रहे कवि का बात तो अली को समझ में ही नहीं आ अली जो है अंगूर दावा जो है उसका अंगूर मसल दिया हमारे कवि साहब ने। जेवीन पटेल कह रहे मुंह दिखाई का टीवी में ओपन फेस आए तो आप मास्क क्यों, अभी मैंने जवाब दे दिया है, मैंने थोड़ा अपना जो है वो चेंज कर लिया है लुक शुक। किरण रेड्डी कह रहे अली का आउट ऑफ सिलेबस है खत्म टाटा बाय बाय, थैंक यू। आकाश हिंगू कह रहे ग्रेट इनिशिएटिव, थैंक यू। हरमन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुपर स्टिकर का। श्रेयास शेट्टी कह रहे भाई आई एम लविंग दिस फॉर्मेट यूजिंग दिस वीडियोस टू डिबंक ऑल दिस सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स गिविंग दावत बाय डिबंकिंग अदर रिलीजियंस, वुड लव इफ यू कुड आल्सो स्टार्ट डूइंग स्ट्रीम ऑन जाकिर नालायक्स वीडियो, करूंगा यार अभी बनाऊंगा ऐसे रिएक्शन वीडियो। जैसे कल जो रिएक्शन वीडियो बनाने वाला हूं वो भी बड़ा मस्त होने वाला है तो कल के लिए रुकना आप, रात में तो अपनी जो नॉर्मल स्ट्रीम रहेगी। जय सनातन भाई कह रहे हैं साहिल जी एक वीडियो में इमाम बोला सगी माँ से निकाह करके उसको ठोको हराम नहीं पर सलूट सौतेली माँ से किया तो हराम, ये क्या है, इस पे एक वीडियो बनाओ। मेरे ख्याल से ये फिक्र की किताब में होगा, अभी मेरे पास जो है मैंने एक आध वीडियो जो है मैं वो सेक्सी जेवर जो किताब है यानी नाम उसका बहस्ती जेवर है लेकिन है वो सेक्सी जेवर, तो उसके भी वीडियोज जो है वो एक मैं बनाना स्टार्ट करूंगा क्या क्या चीजें लिखी हुई है और फिर आगे जाके फिक्र के किताब में क्या क्या किस तरीके के मसले हैं वो भी आप सब लोगों के सामने लाए जाएंगे। पुष्यमित्र शुंग साहब कह रहे हैं भविष्य मालिका महामत के अनुयायियों के को चिल्लाने वाले सब कुछ खाने मक्कारी को महान साबित करने वाले और बाहरी सजावट के सत्य को सत्य मानने वाले कहता है और ये सही, थैंक यू सर। टोनी पार्कर भाई कह रहे हैं साहिल दादा अमोघ लीला प्रभु जी ने भी एक वीडियो में आपके बारे में बोला है, ठीक है सर वो देखा मैंने। रॉकी भाई थैंक यू लाल मिर्ची के लिए। नरेश कुमार शर्मा भाई मेंबर बने कह रहे ये साले जानकर से जानकार से बात नहीं करते, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। सीनियर शुगर जी कह रहे हैं अली दावा इक्वल टू कॉमन नो रिस्पेक्ट अदर रिलीजियंस राइट। नाखुन से कतना भाई कह रहे हैं ये बिना छिली कॉमन नहीं कौन मैन, अच्छा कौन मैन, ओके थैंक यू अमित। नाखुन से खतना भाई कह रहे हैं ये बिना छिली हुई पेंसिल वाले सफेद मुसले प्यारे नोबी की नॉलेजेबल हदीसों से वाकिफ होंगे क्या बिल्कुल वाकिफ है यार। पायलट वाला भाई हमारे कह रहे हैं भाई खूबसूरत तो ठीक है इतना जल्दी कैसे स्ट्रीम, ये रिएक्शन वीडियो है हमारे पायलट वाला साहब। नाखुन से खतना भाई कह रहे प्लास्टिक तो मेरी दुकान से ही लिया था जेआर भाई कह रहे एक चैलेंज ए आई एम टू प्रूव फॉर्मलेस गॉड फ्रॉम, अच्छा ये आई चैलेंज ऑल मुस्लिम्स टू प्रूव फॉर्मलेस गॉड फ्रॉम कुरान, नॉट पॉसिबल। ऑर्गेनिक स्किन केयर ये इतना बर्डन क्यों है इनका प्रीच करने का, हाँ ना यार जबरदस्ती की मुसीबत डाल के रखा है इनके खुदा ने। जेआर भाई कह रहे हैं टू मुस्ला सेड दैट अल्लाह डज नॉट कम इन वर्ल्ड, माय क्वेश्चन टू हिम इफ सो देन टेल हाउ अल्लाह हैज इमोशंस लाइक एंगर जेलेसी एक्सेट्रा बेस्ड ऑन, बिल्कुल सर और अल्लाह क्रिएशन में आता है ये भी हमने साबित किया है। अच्छा कितने लोगों को नया फॉर्मेट नया लुक अच्छा लगा फटक से आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा जैसे स्ट्रीम क्लोज हो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा अपने सारे सर्कल में शेयर करिएगा ताकि ये रिएक्शन वीडियो जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है इन सारे वीडियोस का तो खूब शेयर करिएगा। रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे वेरी नाइस साहिल बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिली आज और बहुत अच्छे से रिव्यू किया आपने, आई सॉ दिस वीडियो फ्यू मंथ बैक बट इस्लाम का कुछ मालूम नहीं था आज पता चला अंगूर दावा कितनी गधे जैसी बात कर रहा था, बिल्कुल सर और उसको आज ऐसा मतलब वो जब भी डिस्कशन हुआ है ऐसा बंदा मिला है ना कभी उसने सोचा ना होगा ऐसा उसको मिला है। तो खैर थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा 10 बजे हम लोग रात को क्योंकि अभी एक स्ट्रीम अभी हो चुकी है तो 9:30 के बदले 10 बजे हम लोग आज की जो लाइव स्ट्रीम है वो करेंगे, और जितने लोगों ने
व्हाट्सएप चैनल टाइम 10 बजे कर दो, 10 बजे कर दो, ठीक है ठीक है। और जितने लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई लोग अभी तक 4200 मेंबर्स ही बने हैं व्हाट्सएप चैनल पे, और बहुत से लोगों को लिंक नहीं मिल रहा था, ये लिंक मैंने फिर से शेयर किया है, जरा सारे लोग जो है वहां पे ज्वाइन हो जाए। जब भी लाइव में आऊंगा मतलब इस तरीके के वीडियोस तो वहां पे पहले मैं बता दिया करूंगा, ठीक है भाई लोग। अच्छा ठीक है, ये है मैं मुर्गा, तुम्हें इन सबको लड़ाम खिलाना पड़ेगा जब अकल आएगी। लड़ाम बदाम नहीं, लड़ाम। मृत्युंजय भाई कह रहे लुक बढ़िया लगा भाऊ, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा ये जे आर भाई कह रहे इफ ए पर्सन कमिट शिर्क देन व्हाई ही बिकम जेलस ऑन और एंग्री, इजंट दिस इमोशन सब्जेक्ट टू टाइम एंड एक्शंस ऑफ ह्यूमन। बिल्कुल आपकी बात सही है जे आर भाई, आई टोटली अग्री विथ यू। तो भाई लोग थैंक यू सो वेरी मच, ये ले लिया था मैंने, ये ले लिया मैंने, हाँ ठीक है। अच्छा साहिल भाई रब्बानी जी लाइव चल रहे हैं, जरा सब लोग अभी 3200 लोग हैं, जरा बोल दीजिए। अच्छा एचए 303 कह रहे हैं कि आपसे व्हाट्सएप पे बात हो सकती है। सर बहुत मुश्किल है व्हाट्सएप पे बात करना क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, आप नॉन मोमेंट स्ट्रीम में जुड़ जाइएगा एचए साहब। अच्छा रब्बानी जी जो है वो लाइव है, तो जो लोग अभी 3000 लोग अभी है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो रब्बानी जी के लाइव में जुड़ जाए, और अपना लाइव जो है वो 10 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है भाई लोग। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपको ये फॉर्मेट और आज का हमारा अवतार कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं रात 10:30 बजे, नहीं सॉरी रात 10:30 बजे नहीं, रात 10 बजे, ठीक है। डॉक्टर एनके कह रहे हैं इफ यू नोटिस केयरफुली ऑल दिस दावा गाइस टॉक वेरी फास्ट ऑल द टाइम इन साइकोलॉजी, टॉकिंग फास्ट इज साइन ऑफ लायर्स। बिल्कुल सही कहा सर, अली दावा तो अंगूर दावा जो है वो तो बड़बड़ाते रहे, इस तरीके की बात होती है। चलो मैं समझता हूँ जल्दी क्लोज करूं, नहीं तो सुपर चैट बंद नहीं होंगे। थैंक यू, एक कमेंट का नजराना जरूर देना, मिलेंगे रात में 10 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।